बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या हाल है प्यारे बच्चों आपके? थर्ड क्लास का मैथमेटिक्स की अगली क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं और हम दरअसल नंबर पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, अब तक की जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसकी बुनियादी बातें जो है वो ये हैं कि जो डिजिट्स होते हैं, जैसे ये डिजिट्स है, ठीक है, इसमें ये जो हिस्सा होता है ये दरअसल यूनिट को शो करता है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ लिया है। और ये वाला जो दूसरा डिजिट होता है ये टेंस को शो करता है, टेंस के बंडल्स को शो करता है। और ये जो डिजिट होता है ये हंड्रेड के बंडल्स को शो करता है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। तो पहला डिजिट यूनिट को शो करता है, दूसरा डिजिट टेन टेन के बंडल को शो करता है और तीसरा डिजिट हंड्रेड के बंडल को शो करता है। यही बात अब आप तस्वीर की शक्ल में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक पूरा बंडल है जो हंड्रेड को शो कर रहा है। ठीक है, जब दो बंडल होंगे तो क्या बनेगा, 200 स्टिक्स। ठीक है, अच्छा, जबकि ये जो बंडल आप देख रहे हैं ये टेंस के बंडल हैं और ये टेन टेन के चार बंडल हैं, 1 2 3 4, इसीलिए है 40। ठीक है, 40 स्टिक्स हो गई, ये 200 हो गई और ये 40 हो गई। अच्छा, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये यूनिट्स को शो कर रहा है। यूनिट का मतलब अकेले अकेली जो स्टिक्स हैं वो यहाँ शो हो रही हैं, तो ये 6 स्टिक्स हो गई। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितनी स्टिक हो गई, 246। जब आप इसको लिखेंगे नंबर के अंदर तो देखें इस तरह से लिखेंगे 246। अब ये जो 246 का नंबर है ये नंबर कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए 200 ऐसे लिखा है, 40 ऐसे लिखा है और 6 ऐसे लिखा है। ये जो 20 होते हैं ना ये 100 को शो करते हैं और 10 जो है वो टेंस को शो करता है। जब 20 आते हैं तो वो 100 को शो करते हैं। ठीक है, और जब 10 आता है तो वो 10 को शो करता है और बगैर 0 के जब आता है तो वो यूनिट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने 200, दिस इज द 100 पार्ट और दिस इज 10 पार्ट्स और ये यूनिट पार्ट। जो तस्वीर आपने ऊपर देखी थी 200 240 और यहाँ जो स्टिक्स थी वो कितनी थी, 6 थी। जब इसको आप एक नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे, ये है आपका 200 स्टिक्स को शो करने वाला फिगर, ये आपका 40 को शो करने वाला और ये आपका 6 को शो करने वाला। ठीक है, तो देखिए 200 ये लिखा हुआ है पूरा, 40 ये लिखा हुआ है पूरा और 6 ये है। इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, यूनिट की जगह यूनिट आ गया, टेंस की जगह टेंस आ गया और 100 की जगह 100 आ गया। हमेशा याद रखें जब तीन डिजिट्स होते हैं तो तीन डिजिट्स में से पहला डिजिट्स किसको शो करता है, यूनिट को, दूसरा टेंस को, ये यूनिट का डिजिट का खाना है, ये टेंस का खाना है और ये 100 का खाना है। ठीक है, तो हमारे पास 200 था, हमने इसकी जगह 2 लिख दिया, हमारे पास 40 टेंस थे, 4 टेंस थे, इसकी जगह हमने 4 लिख दिया और हमारे पास यूनिट 6 थे, इसकी जगह हमने 6 लिख दिया।
ठीक है। तो अब इन द नंबर सिंबल, हमारा जो नया नंबर बना सिंबल में अलामती तौर पर, वो ये बना 246। सही, इसमें देखिए दो जीरो 100 को शो करते हैं, ठीक है। 4, 6 के पीछे ये दो जीरो छुपे हुए हैं, ये 4 और 6 है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, दो जीरो। जब आप इसको ऐसे सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, ये 200 है। अच्छा, और 6 के पीछे क्या छुपा हुआ है, इस 4 का जीरो छुपा हुआ है 40, क्योंकि ये टेंस है, टेंस के लिए आपको एक जीरो लगाना पड़ता है। और 6 जो है वो अकेला जो है वो छुपा रखा हुआ है 246, ठीक है। ये आप सिर्फ समझ रहे हैं, काम अभी आपको नहीं करना है। जब मैं आपसे कहूँगा काम करने का तो फिर आप काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला पेज पर आ गए हैं, और इसमें सवाल पूछा है सबसे पहले हमसे, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी स्टिक्स आर शोन बिलो, कितनी स्टिक्स नीचे शो की गई हैं। तो देखिए ये 100 हो गया, 100, ये 200 स्टिक्स हो गई, ये 300 स्टिक्स हो गई, ये 400 स्टिक्स हो गई, और ये 500 स्टिक्स हो गई। इसका मतलब ये है कि इन सबको तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, 500 स्टिक्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने 100 100 के बंडल्स को जाहिर कर दिया। अच्छा, अब आ गए नीचे टेंस के बंडल। ये एक टेंस का बंडल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, 7 टेंस हैं। तो 7 टेंस, 7 टेंस का मतलब 70, और यूनिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इसमें यूनिट हैं। तो अब जब नंबर आप बनाएंगे तो आपको पता है ये 3 डिजिट्स तक गए हैं। पहले खाने में यूनिट आएगा, दूसरे खाने में टेंस आएगा, और तीसरे खाने में 100 आएगा। तो यूनिट का मैंने यहाँ 4 लिखा, टेंस का मैंने यहाँ 7 लिखा, और 100 का मैंने यहाँ 5 लिखा। ये बन रहा 574, 574, ठीक है। इसको नंबर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और फिर इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे 500, 574, ठीक है। चलें, अब आप सब बच्चे अपनी कॉपी निकालें, और कॉपी निकाल के पहले ये वाला सवाल लिखें, ठीक है। सवाल लिखने के बाद फिर आप ये वाला नंबर लिखिए इसके नीचे ऐसे 574, और नंबर लिखने के बाद उसका नेम लिखिए ये वाला 574। तो वीडियो को रोकिए, और वीडियो रोक कर पहले सवाल उतारिए, फिर सवाल के नीचे ये नंबर लिखिए, और नंबर के नीचे फिर उसका नाम लिखिए, ठीक है। चलें, हम अब चल रहे हैं आगे की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विच इज मोर, कौन सा नंबर ज्यादा है, 501 स्टिक्स और 389 स्टिक्स। तो देखिए, जब भी आप दो नंबर्स के बारे में ये सोचते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले दोनों के 100 को देखते हैं। ये 300 है, ये क्या है, 500 है। तो जिसका 100 ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा, जिसका 100 कम होगा वो छोटा होगा। तो सवाल ये था कि इसमें से कौन सा ज़्यादा है, तो 501 स्टिक्स जो है वो ज़्यादा हैं, ठीक है भाई।
अब इसी तरह से दूसरा सवाल भी करना है आपको, बताना है कि 699 स्टिक ज़्यादा हैं या 822 स्टिक ज़्यादा हैं। जब आप दोनों नंबर्स को ये सोचते हैं कौन सा ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप उसका 100 देखते हैं। इसका 106 है और इसका 108 है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 800 ज़्यादा है 699 से। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, इसके जवाब में आप लिखेंगे 822 इज मोर, बस इतना सा जवाब लिखेंगे। पहले सवाल लिखिएगा ये वाला ऐसे ही, और उसके नीचे जवाब आप ये लिखेंगे 822 इज मोर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप पहले ये दोनों सवाल अपनी कॉपी में लिखकर इनके जवाब भी लिखिए। वीडियो को यहाँ रोक लें और रोक कर पहले ये दोनों सवाल कर लें। चलें अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को हम, 6 को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी स्टिक्स इज 4 हीप्स, 7 बंडल्स एंड 5 लूज स्टिक। 4 हीप्स का मतलब वो जो 100 स्टिक्स बनाई थी उनको कहते हैं हीप्स। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, हीप्स। इसको क्या कहते हैं, बंडल। और इसको क्या कहते हैं, वंस। ये सवाल में पूछा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मैनी स्टिक्स इज 4 हीप्स। ठीक है, तो 4 हीप्स में कितने होंगी, 400 होंगी। 7 बंडल्स, 10 10 के 7 बंडल्स में क्या होंगी, 70 होंगी। एंड 5 लूज, तो 5 यूनिट है, तो ये जो नंबर बना 475, इसको ऐसे लिखेंगे इसके जवाब में 475। पहले गिनती में लिखेंगे फिर नीचे लिखेंगे ऐसे 400। ऐसे भी लिखते हैं एंड ना, 75। ठीक है, 475। तो आप सवाल उतारिए क्वेश्चन नंबर 6 और फिर उसका जवाब लिखिए। वीडियो को रोककर पहले सवाल उतारेंगे और फिर उसका जवाब लिखेंगे। चलें अब हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी हीप्स ऑफ 100 कैन बी मेड अप फ्रॉम 386 स्टिक्स एंड हाउ मैनी स्टिक्स विल रिमेन। 384 स्टिक्स हैं, उसमें से आप कितने हीप्स बना सकते हैं। तो आपको पता है कि हीप्स जो है इसमें शो कौन करता है, ये 3 करता है, तो हम बोलेंगे कि हम 3 हीप्स बना सकते हैं, 300 हीप्स बना सकते हैं। तो सवाल था, हाउ मैनी हीप्स ऑफ 100 कैन बी मेड अप फ्रॉम 384। 384 से कितने 100 100 के हीप्स बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, 3। एंड हाउ मैनी स्टिक्स विल रिमेन, और कितनी बचेंगी। इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 हीप्स, 3 हीप्स ऑफ 100 कैन बी मेड, ऐसे लिखेंगे, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एंड हाउ मैनी स्टिक्स विल रिमेन, एंड
84 स्टिक्स विल रिमेन, 84 स्टिक्स विल रिमेन, बाकी कितनी बचेंगी, रिमेन का मतलब क्या होता है, बाकी बचने वाली स्टिक्स, बाकी बचने वाली स्टिक कितनी होंगी, 84। ठीक है, चलिए इसको भी आप जल्दी से जो है वो सवाल कर लीजिए। चलिए अब हम इसका बी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका बी, बी में पूछा है हाउ मैनी बंडल्स ऑफ 10 कैन बी मेड फ्रॉम द स्टिक्स दैट रिमेन। अब जितनी स्टिक बची थी 84, इसमें से कितने बंडल्स बना सकते हैं 10 के, तो 10 के बंडल्स 8 बन सकते हैं, सही है। तो हमारे पास जो टोटल थे वो 384 थे, उसमें से हमने जो हीप्स बनाए 100 के वो 3 बना लिए, अब बाकी बचा था 84। 84 में से अगर 10 के बंडल्स बनाएंगे तो 8 बंडल्स बनेंगे 10 के। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 8 बंडल्स ऑफ 10 कैन बी मेड ठीक है। पहले आपको ये सवाल उतारना है पूरा, और इस सवाल के जवाब में ये लिखना है 8 बंडल्स ऑफ 10 कैन बी मेड। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों आपको। चलें अब हम जो है वो अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच नंबर हैज द पार्ट शोन बिलो। ये जो नंबर हैं ये किस पार्ट को शो करते हैं, तो ये किसको शो करता है, 100 को। ठीक है, ये किसको शो करता है, 100 को, इसके साथ दो जीरो लगे हुए हैं। ये किसको शो करता है, यूनिट को। और ये किसको शो करता है, टेंस को। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर नीचे लिखा हुआ राइट द नंबर नेम एंड द नंबर सिंबल। आपको इसका जब सिंबल आप बनाएंगे तो 462, आपको पता है ना कि 100 यहाँ आता है, टेंस यहाँ आता है और यूनिट यहाँ आता है, तो ये नंबर का सिंबल क्या बना, 462। फिर इसका आपको नेम भी लिखना है, पहले क्या लिखना था, राइट द नंबर नेम एंड नंबर सिंबल। ये जो मैंने लिखा ये नंबर सिंबल है, और अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसका नेम, क्या नेम है, ऐसे लिखेंगे 400 एंड 62। ठीक है, तो पहले आपको ये सवाल उतारना है, सवाल उतारने के बाद उसके नीचे ये नंबर का नेम लिखना है। पहले ये लिखना है कि ये 400 क्या है, 100 है, ऐसे मेंशन करना है 400 है, 2 जो है वो यूनिट है, ठीक है, और 6 जो है वो 60 जो है वो टेंस है। फिर उसके बाद आपको नंबर का सिंबल लिखना है और फिर आखिर में नंबर का नेम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ते हैं, विच नंबर हैज द पार्ट 702। 702, ठीक है, कौन से नंबर के पार्ट हैं। तो देखिए आपको 100 दिया हुआ है और यूनिट दिया हुआ है, टेंस नहीं है। आपको पता है ना, जब 3 डिजिट के नंबर होते हैं उसमें पहला खाना किसके लिए होता है, यूनिट के लिए, दूसरा खाना टेंस के लिए, और तीसरा खाना जो है वो 100 के लिए। अच्छा, अब यहाँ कहा गया है 700, तो ये तो 7 यहाँ आ गया,
इसमें टेंस है ही नहीं बीच में, जब बीच में टेंस नहीं होगा तो हम यहाँ जीरो लगाएंगे, और टू टू यूनिट है तो ये बना आपका 702। ठीक है, तो आप नवे सवाल के जवाब में क्या लिखेंगे, 702। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, बहुत आसान है ये मैथ का काम करना। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ 607। 607 के पार्ट बनाने, ये है 600, आप क्या लिखेंगे, 600। इसमें टेंस नहीं है तो टेंस में लिखेंगे, 7 क्या है यूनिट, अब लिखेंगे एंड 7, 607 ये इसके पार्ट हो गए। ठीक है, तो इसके जवाब में आप ऐसे लिखेंगे 600 अलग एंड 7 अलग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर, हर एक नंबर के आपको पार्ट लिखने हैं। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, आप लिखेंगे सबसे पहले ए, ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे नंबर 6, 4, 7। 6 क्या है, इसमें 100 है, आप ऐसे लिखेंगे 100। ठीक है, 4 क्या है, टेंस है, 4 में लिखेंगे 40, ये टेंस बन गया, और 7 क्या है, यूनिट, ऐसे लिख के 6 के सामने लिखेंगे 600। ठीक है, 4 के सामने लिखेंगे 4 टेंस, और 7 के सामने लिखेंगे 7 यूनिट्स। ठीक है, ये काम आपने किया है क्वेश्चन नंबर ए के लिए। अब ऐसा ही आपको बी के लिए करना है, ऐसा ही सी के लिए करना है, ऐसा ही डी के लिए करना है, और ई के लिए करना है, और एफ के लिए करना है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए, आज के हमारा सबक ख़त्म हो गया, और आप ये सारा काम अपनी कापी में करेंगे। वीडियो रोक के भी आप ये काम कर सकते हैं, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो डॉक्यूमेंट के पेज को देखकर भी आप ये काम कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि जब मैं कहता हूँ वीडियो रोक दीजिए, तो आप वीडियो को रोक कर फिर सवाल करा करें, इससे आप साथ साथ चलेंगे मेरे, और जो बात पड़ी है वो आपके जहन में रहेगी और वो आपके जहन से निकलेगी नहीं। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे और बाद में काम करने बैठेंगे तो फिर पुरानी बात आपके जहन से निकल जाएगी और आपको काम करना मुश्किल लगेगा। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।